ओके नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाहताय वर्ग 9 चा मराठी विषय। त्यामध्ये पाहताय आपण लेसन पाहताय आपण जीआयपी रेल्वे आणि त्याचे लेखक आहे प्रबोधन कार ठाकरे। आणि आता आपण पाहताय प्रश्न उत्तर। इसके प्रीवियस वीडियो का भी मैंने आपको दो रिकामे जागा दिया था, उसके बाद क्या था क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन वो था रिकामे जागा पूर्ण करा, उसमें मुंबई था एक का आंसर और दूसरे का था इनाम। उसके बाद भारतातील पहिल्या रेल्वेच्या उद्घाटनाची पूर्व तयारी, पहले क्या हुआ था 10 डब्बों का ये था, क्या 10 डब्बे थे, उसमें उसको तोरण और फूल पत्तियों पानों से उसको सजाया था। और इंग्रजों का सेकंड था, इंग्रजों का क्या लगाया था उसके ऊपर निशान लगाया था, मतलब इनका इंग्रजों का सिंबल लगाया था। उसके बाद क्या था तीसरा डबे जो कैसे बनाए थे, उसमें डब्बों में गादी के फोम के कुर्सियां बनाए थे, अभी हमारे पास बेंचेस रहते ना बड़े बड़े। उसके बाद था उसमें जो कौन गए थे पहले दिन, उसके डायरेक्टर गए थे और जो उनको साथ दिया था, मतलब जमशेद जी नगर से थे, उन्होंने वहाँ पे बैठे हुए थे, विराजमान थे। उसके बाद वो 5 बजे, जैसे ही 5 बजे उसका मुहूर्त था 5 बजे का, 5 बजे वो अपना सीटी फूकते हुए क्या किया, उसने वहाँ से प्रवास करना शुरू किया। ये हुआ था सेकंड क्वेश्चन का। अभी हम देख रहे हैं अभी का क्वेश्चन, देखिएगा अभी का क्वेश्चन में क्या है। इसमें देखो आकृति पूर्ण करा दिया है और देखो रेलवे असावी म्हणून उठाव करणारे कोण, रेलवे असावी म्हणून करणारे कोण, रेलवे असावी म्हणून उठाव करणारे कोण थे। सर आपके बुक्स में पहले जो पहला जो ये है क्या बोलते पैराग्राफ उसमें है, सर जमशेद जी और दूसरा था सर जमशेद जी जीजाबाई और दूसरा था जगन्नाथ नाना शंकर सेठ। ओके ये दो थे जब रेलवे ऐसा लगा उनको कि रेलवे हमारे आगे रहना चाहिए, इसलिए दोनों ने सबसे ज्यादा उनको क्या दिया है, क्या दिया उनको, साथ दिया। उसमें उठाव है वो उठाव में उसको साथ दिया। ओके उसके बाद है इंडियन पेनिसुला रेलवे धावलेली ठिकाणी, कहाँ का दौड़ी हो पहली मुंबई का, मुंबई से ठाणे तक गई थी ना वो पहला रेलवे, तो वही था ना मुंबई से निकली और ठाणे। ओके अब देखो रेलवे धावण्याच्या मुहूर्ताचा दिवस व साल, तुम्हाला माहित आहे सोमवार दिवस होता, दिवस व साल म्हणून त्यांनी तर कसं सोमवार 18 एप्रिल और साल कौन सा था 1853, सेकंड वाला इथे स्थिति मी 1853। ओके आता घाट उतरण्यासाठी सुखसोयीनी सरबाई पाण्याचे कंत्राट घेणारे कोण थे, एकच था कोणता वो, कोणता अपने बुक्स में दिए हैं कौन थे वो घाट उतरण्यासाठी आणि सरबाई कंत्राट कोणी दिला होता। ओके 1 मिनिट आपके बुक्स में ही है, ये देखो घाट उतरण्याचा कंत्राट करशेट जी जमशेट जी इसको दिया था, करशेट जी इसका आंसर होगा करशेट जी और जमशेट जी। अरे इनको दिया था उन्होंने घाट उतरने का, लोगों की सर्वाइव करने का कॉन्ट्रैक्ट इसके पास दिया था। पाया समझ में आपको? ओके नाउ लिसन, पहला आकृति पूर्ण या चौकटी पूर्ण करा, इसमें दोनों इसमें आ सकता है क्वेश्चन। ओके पहले देखो रेलवे असावी म्हणून उठाव करणारे कोण कोण थे, सर जमशेद जी जीजाबाई और नाना शंकर सेठ। उसके बाद दोन था इंडियन पेनिसुला रेलवे धावलेली
गाने का का दौड़ी जीपीआई के हा दौड़ी मुंबई टू ठाणे ओके रेलवे धावण्याच्या मुहूर्ताचा दिवस तुमको पता है सोमवार 18 एप्रिल सोमवार और साल कौन सा था 1853 घाट उतरनीचे सुखसोईनी सर्वाई पाण्याचे कॉन्ट्रैक्ट देणारा कोण था करशेट जी जमशेट जी ओके लास्ट के बारे में ही है यह है समझ में आप देखिएगा और एक क्वेश्चन है इसमें कि खाली शब्दासाठी पाठात आलेली पर्यायी शब्द शोधा आणि त्याच्यानंतर आहे कारणे लिहा रेल्वे प्रवास धोक्याचा नाही हे पटवण्याच्या रेल्वे कर्मचाऱ्यांची खूप आटापिटा केल्या इंग्रजांनी देऊ केलेली मुंबई ठाणे रेल्वे प्रवाशांची इनामे काही दिवसात बंद करण्यात आली त्याचे कारण लिहायचे ओके अब आपण देखेंगे कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 ओके नाव लिसन आता बघा हा क्वेश्चन नंबर 4 तुमच्या बुक्स मधलाच आहे खालील शब्दांसाठी पाठात आलेली पर्यायी शब्द लिहा पर्यायी शब्द मीन्स समानार्थी शब्द ओके तो पहला जो है मुनिम मुनिम मीन्स क्या होता है मुनिम मीन्स जो पटपेड़ी संभालते उसको नहीं क्या दीवान जी बोलते हैं ना मराठी में मुनिम मीन्स दीवान जी देने आश्चर्य मीन्स नवल या आप लिख लीजिएगा अपने बुक्स में लिखो या फिर नोटबुक में लिखो जहां भी लिखना चाहते हो लिखो इसके बाद फुकट मीन्स मोफर फुकट मीन्स मोफर सरल वर्गी मीन्स होता है देखो एक तो प्रामाणिक होता है या फिर छठी पंच माहित नसलेला होता है इसके दो तीन है इसके दोनों लिख के दे रही हूं मैं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो पहला है प्रामाणिक सरल मार्गी करते और एक है छक्के पंजे माहित नसलेला पंजे माहित नसलेला एंड नावाजलेला मीन्स प्रसिद्ध होता है या प्रख्यात होता है दोनों हो सकता है प्रख्यात या प्रसिद्ध ओके गम्मत मीन्स मौज या मजा हाँ ये हो गए अपने समानार्थी शब्द आपको आप लिख लीजिएगा ये ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए जैसे मान लो दिया भी जैसे देते रहे कि दो दो मार्क्स के लिए ग्रामर में पूछा जाता है ये शब्द संपत्ति में पूछा जाता है इसलिए आप लोग ये लिख लीजिएगा मुनिम मीन्स दीवान जी आचार्य मीन्स नवीन नवल सॉरी फुकट मीन्स मोफत सरल मार्गी मीन्स प्रामाणिक या छक्के पंजे माहित नसलेला देन आहे नावाजलेला मीन्स प्रख्यात या प्रसिद्ध गम्मत मीन्स मौज या मजा ओके अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 कारणे लिया लिखे आपने ये अपने नोटबुक में लिखो या अपने बुक्स में आपके पास दी है ऐसी जगह उसमें लिखो चलेगा आपको बस मत इसलिए लिखने की क्योंकि समानार्थी शब्द आते हैं एक मार्क दो मार्क के लिए आते हैं विरुद्धार्थी शब्द समानार्थी शब्द शब्द संपत्ति भाषाभ्यास में आते हैं ओके सो आपने लिख लिया होगा ये इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 का देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में है कारने लिया कारने लिया में देखिएगा ओए रेलवे का प्रवास प्रवास धोक्याचा धोक्याचा नाही हे पटवण्यासाठी पटवण्यासाठी रेल्वे कारभारांनी खूप आटापिटा केले कारण रेल्वे कारभारांनी खूप
पिटा केला। इसका कारण क्या होगा कि जो लोगों ने उन लोगों को समझाया था पर लोग समझने को खाली नहीं थे, लोग सब समझा रहे थे कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, इसमें कुछ ये नहीं होने वाला है, आपको सुविधा मिलेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा, बट लोग सुनने को खाली नहीं थे। तो वाफेचा कारीगर बसायला लोकांना धीर होईना, कारण काय कि वाफेचा गाडीवर बसायला लोकांना धीर होईना। ये मेन कारण होता है कि उन लोगों को धीरे उनका बस मतलब उनको धीर नहीं, धीरे ने ऐसा होता है कि उनको बैठने के लिए बहुत ही कर रहे थे वो, क्योंकि वापे की गाड़ी है, वापे का इंजन है, वाप कैसी कैसी इतने लो इतने डबे हमको क्या करेंगे, मतलब इतने डबे हमको लेके जाएंगे, ऐसा उनको लग रहा था। मतलब उनकी धीर नहीं बना मीन सब उनकी हिम्मत नहीं बढ़ रही थी वो भाप के इंजन के गाड़ी पे बैठने के लिए, इसीलिए लोगों को जो कर्मचारी है वो समझाते थे फिर भी उनको कुछ ये नहीं होता था, फर्क नहीं पड़ता था। उसके बाद है आ वाला देखिएगा, इंग्रजांनी देऊ केलेली मुंबई ठाणे आपके बुक्स में ही है, इसलिए रेलवे प्रवाशांची इनामे काही दिवसात बंद करण्यात आली। कारण का, कारण हे की त्यांना काय झालं होतं, त्यांना लोकांना मग समजायला आलं होतं की आपला वेळ वाचतो, आपण आपण लवकर जाऊन पोचतो मुंबईला, समजा जायचं असलं तर आपल्याला एरवी आपल्याला एक दिवस पूर्ण लागायचा मुंबई टू ठाणे जायला, परंतु आपण आपण काही तासात त्या मुंबई टू पुणे सॉरी मुंबई टू ठाणे जाऊ शकतो। याच्यामुळे लोकांना पहिले काय दिलं होतं की रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी प्रलोभन दिलं होतं, त्याच्यानंतर त्यांनी म्हटलं की आता काय, आता लोकांना काय नाही होत होतं, आता लोकांना समजायला आलं होतं की आपल्याला वेळ वाचतो म्हणून। ओके, कारण काय लिहायला, लोकांचा धीर चेपला नाही, चेपला व चेपला मीन्स धीर आहे त्यांना। ओके, लोकांचा धीर चेपला चेपला व लोकांनी जाण्याची गर्दी लोकांची जाण्याची गर्दी होऊ लागली, लोकांची जाण्याची गर्दी होऊ लागली। आणि क्यों उन्होंने किया कि पहले इंग्रजों ने क्या दिया, प्रलोभन दिया उसको कि एक रुपया देंगे, उसके बाद जैसे जैसे मतलब प्रवासी बढ़ने लगे मतलब पैसेंजर बढ़ने लगे वैसे वैसे उन्होंने वो कीमत कम करी, पहले एक रुपया दे उसके बाद आठ आना दे उसके बाद चार आने दिए और उसके बाद सर्रास बंद कर डाले, क्योंकि लोगों की अभी क्या हुआ, लोगों को समझ में आया था
कि रेलवे में जाने से हमको क्या होगा, प्रवास भी सुखकर होगा, हमको तकलीफ भी नहीं होगी और हमारा टाइम भी बचेगा। इसलिए लोगों के मन में जो भ्रामक कल्पना थी वो चली गई थी और इसीलिए लोगों को धीर आया था। धीर चे प्लाव व लोकांची जाण्याची गर्दी होऊ लागली म्हणून त्यांनी काही दिवसात ते इनामे बंद करण्यात आले। ओके, समझ में आया ये। अब देखेंगे हम जो ये सहमत है, रेल्वेचा शोध देशाच्या आर्थिक विकासाला गती देणारा ठरला, तुमचे मत लिया। इसमें बहुत सारे सहमत है, आपको जो वर्कबुक में देखोगे आपके तो वर्कबुक में बहुत सारे सहमत है, परंतु ये जो है क्या बोलते हैं, ये लोगों को ये जो आपके बुक्स के पीछे दिए हैं उसका देखेंगे। ओके, रेलवेचा शोध देशाच्या आर्थिक विकासाला गती देणारे ठरले असे तुमचे मत दाखवा। का क्यों बोला ऐसा, मतलब क्या मत दोगे आप लोग? तो लोगों को समझ में आया था कि रेलवे क्या है हमारी, अभी हमको सुविधाजनक गाड़ी है और एक ही टाइम में वो बहुत सारे लोगों का, देखते हो ना आप लोग, बहुत सारे लोगों को क्या होता है, प्रवास हो जाता है, उसके बाद देशाचा आर्थिक विकास गतिला, मतलब विविधता है, देखता है वहां पे सभी, कोई जात धर्म वाला ये नहीं है, सभी धर्म के लोग वहां पे बैठ सकते हैं और सभी लोग अपना प्रवास कर सकते हैं और मतलब ऐसी जनसेवाएं भी है उसमें कि जैसे अदर जैसे बस की मान से रेलवे की टिकट कम रहती है, इसलिए सभी को, गरीब लोगों को, सभी जनता को परवड़ने वाली है। इसलिए ये क्या है, हमारे आर्थिक दृष्टि भी हमको परवड़ने वाली है, मतलब हमको अच्छी है और ये इतना सस्ता जो साधन है वो रेलवे के सिवा कोई दूसरा नहीं है, इसलिए क्या होगा, और इसलिए हर दिन लाखों लोग वहाँ से क्या करते हैं, हर दिन लाखों लोग वहाँ से प्रवास करते हैं और इसीलिए हमको क्या हुआ कि भारत जो इंग्रजों ने जो हमको दिए क्या रेलवे दिए, इसीलिए उन्होंने भारतीयवासी ने उसको क्या दी, आर्थिक गति से उसको गति मिली। और जैसे हम लोग प्रवास, अभी की जो स्थिति है, हम प्रवास ही नहीं करते तो हमारे जो माल है, हमारी गाड़ियां है, मोटर है, हमको यहाँ से वहां लेके जाना है टू व्हीलर, तो हम उसका क्या करते हैं, रेलवे में चढ़ाते हैं माल वाहतुक और मालों की वाहतुक भी करते रेलवे। आपने देखे होंगे अभी ये जो अभी कोरोना के काल में उन्होंने कितने सारे कंटेनर लाए, ऑक्सीजन के कितने सारे कंटेनर लाए, वो ऐसे रेलवे ही है। इसीलिए आर्थिक दृष्टि भी अच्छी है और हमको समानता, मतलब एकता भी, समानता ये भी धर्म हमको वो रेलवे सिखाती है, ऐसा हमको लगता है। ऐसा लिखना आपने। ओके, जो आपको 3 मार्क का क्वेश्चन रहता है उसमें कम से कम 10-12 लाइन आपको लिखना है। और उसके बाद कौन सा है, स्वातंत्र्य पूर्व काळात भारतीयांवर असलेला अंधश्रद्धेचा प्रभावासंबंधी तुमचे विचार स्पष्ट करा। आपने देखे होंगे पहले जो रेलवे की जो सहमत बता रही हूँ मैं आपको, पहले जो रेलवे की जो कल्पना हुई थी तो लोग उसको डर रहे थे कि ऐसे कैसे, ये तो इंग्रजों ने हमारे लिए काली जादू लाए हैं, ऐसी बहुत सारी अफवाहें उड़ाए थे। क्यों? क्योंकि लोगों को अभी तक लोगों ने वो देखा ही नहीं कि भाप पे इतनी 10 डबे की इंजन गाड़ी, मतलब वो भाप 10 डबे की इंजन गाड़ी खींच सकती है। पहले उसके बाद कोयले की है, उसके बाद अभी तो इलेक्ट्रिक में चलती है ना, तो ये जो लोगों के मन की जो धारणाएं थी इसके वजह से क्या हुआ, ये स्वातंत्र पूर्व था, हम लोगों को स्वातंत्र मिला ही नहीं था, तो स्वातंत्र पूर्व ये कल्पना थी और इंग्रजों के प्रति हमारे जो मन में द्वेष था और उसके लिए हम इंग्रजों का जो भी चीज करते थे हम पहले उसका विरोध करते थे, ये भी उसमें आता है। ओके, और क्या आएगा, और जो अफवाह के बीच में जो दिए थे उन्होंने बुक्स में वो लिखना वहां पे दो। ओके, ये भी बताया, ये भी बोले थे उन्होंने कि जो
ये जो इंग्रज लोग है यहाँ पर हमारे हमको ट्रेन में बैठा के क्या करते हैं, मुंबई में जो पुल हो रहा है उस लोखंड पुल में बलि देते हैं, इसलिए इंग्रज हमको यहाँ से ट्रेन से लेके जा रहे करके, ये भी एक भ्रामक कल्पना उनके मन में थी। और उसके बाद रेलवेचा मते रेलवेचा असलेले फायदे और तोटे, याद आपको तो फायदे पता है आपको है ना, तोटे मैं बता देती हूँ है। फायदे पता है ना आपको, अभी अभी की जो स्थिति अभी है ना, एक एक ही बार में कितने लाखों लोग प्रवास कर सकते हैं, और सभी जगह अभी जहाँ वहाँ रेलवे जा रही है, यानी सभी तरफ रेलवे का प्रवास कहीं भी हम जा सकते हैं, और चलन वाला मतलब चलने के लिए प्रवास करने के लिए वो सुविधाजनक है। उसके बाद यानी हमारे दैनंदिन जैसे हमको जैसे कल सुबह पहुंचना है तो हमको रात का बेड मिलता है, वो जो हमको मिलते हैं ना अभी, तो हमको सोना भी होता है और पूरी सुविधा रहती है ट्रेन में। ये हुए फायदे और तोटे देखो आज, यानी अभी जो तोटे हम देखेंगे तो जो भारत की जो लोकसंख्या है उसके मान से हमको रेलवे गाड़ी कम पड़ती, इसलिए हम डब्बे में अभी तो अभी कोरोना की वजह से नहीं होता है, पर पहले आपने देखे होंगे कितनी चिकार गर्दी रहती थी रेलवे के डब्बों में, मतलब जो जो रिजर्वेशन है उसमें नहीं, पर जो जनरल डब्बे उसमें उतरने के लिए जगह नहीं रहती थी। ये परिस्थिति क्यों हुई, ये परिस्थिति क्योंकि हमारे पास मतलब इतनी सारी ट्रेनें अवेलेबल नहीं है जितनी हमारी पॉपुलेशन है। और जैसे कुछ होता है घटना घटती है या फिर कुछ होता है रेलवे में, जैसे किसी को हार्ट अटैक आया या आए, तो उसके लिए कोई सुविधा नहीं है, वो वहीं पे तड़पाते रहता है जब तक अगले स्टेशन नहीं आता, जब तक वो दूसरों से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, ये एक तोटा है। और जो रेलवे व्यवस्था है वो भी अपूरी है इसलिए, और हमारी जो रेलवे है वो अधिक प्रमाण में नहीं है इसलिए हमको ज़्यादा ट्रेनें उपलब्ध नहीं, इसलिए हमारे ट्रेनों में गर्दी ज़्यादा रहती है। ये हुए तोटे, ये हुए उसके फायदे बताई मैंने, तोटे भी बताई फायदे भी बताई, और ये तीनों क्वेश्चन के जो स्वमत है ये मैंने अभी जस्ट आपको बताए, लिख के नहीं दिया इसलिए आपको मैं वो PDF दे ही दूंगा उसके। और ये जो लॉन्ग क्वेश्चन के जो मैंने बताई वो अभी ऐसा ही आपको लिखना है ताकि आपको 3 मार्क्स के लिए लिखना है। ओके सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे। आज हमारा यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आंसर है ये कंप्लीट हुए 4th लेसन के, मैं आपको सिर्फ PDF भेजूंगी अभी। ओके सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।